सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को आपका अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाइयों, आज हम पहुंचे हैं तोमर ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ। तो आज की जो वीडियो है भाइयों, बहुत अच्छी होने वाली है, और वो जो हमारे जो पशु हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तारा फीड के नाम से आते हैं इनके प्रोडक्ट, ये एक कंपनी है तारा फीड। तो आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दिलाऊंगा इसके पशुओं का, बहुत ही अच्छा लेटेस्ट कह सकते हैं इसको, बहुत ही लेटेस्ट फीड है। तो एक बार जरा हम भाई साहब से आपको विस्तार से जानकारी कराते हैं। नमस्कार जी। तो भाई साहब, आप जरा एक बार हमें तारा फीड के बारे में विस्तार से जानकारी कराओ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। तारा फीड के सर हमारे अनेक प्रोडक्ट हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट वाइज बताना चाहूँगा, जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा ड्राई ऑफ फीड है सर जी। ये ड्राई ऑफ फीड जो है, जब आपका पशु गाबन दूध देना बंद कर देता है जी, उस टाइम ड्राई ऑफ फीड को हम रेकमेंड करते हैं। जो ड्राई ऑफ फीड का कार्य है जी, कार्य है सर, जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसको स्वस्थ रखना, और जो पशु ने पूरे ब्यांत अपनी बॉडी से इन्वेस्ट करा है, कैल्शियम दिया है, फास्फोरस निकाला है, उसकी भरपाई करता है। और ये तकरीबन जो ब्याने से पशु को 21 दिन पहले तक दिया जाता है। इसकी मात्रा कितनी यूज कर सकते हैं? मात्रा सर आप इसकी 3 किलो दे सकते हैं, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को जी, और चारे के साथ ही देना है, अलग नहीं देना, दोनों टाइम चारे के साथ देना है जी। हाँ जी। और जैसा हमारा तारा क्लोजअप है जी, ये जो तारा क्लोजअप है सर, ये फीड जो आपने ब्याने क्या कर रही है और कितनी मात्रा है ये आपने ब्याने से 21 दिन पहले शुरू करना है। प्रयास आप यही करें, जैसे आप ड्राई फीड खिला रहे हैं, जब आपके पशु को ब्याने में 21 दिन रह जाएं, तो आप 2-4 दिन पहले इसके साथ ही मिलाकर खिलाना स्टार्ट कर दें जी। हाँ जी। और जो इसका कार्य है, कार्य मेन कार्य सर इसका ये है, एक तो ये जेर का साइज बढ़ाता है जी, और दूसरा पशु बच्चे को हेल्थी रखता है। जेर आपकी नॉर्मली बिल्कुल साफ गिरेगी, ये हमारी कंपनी की फुल गारंटी है, और ब्याने के बाद मिल्क फीवर नहीं आने का जी। अच्छा, ये आपकी गारंटी है? हाँ जी, ये गारंटी है जी। जेर में देख सकते हो किसान भाई। हाँ जी। एक मैं और थोड़ा बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है, फार्मर की बात होती है कि अगर पशु हमारा 1-2 दिन पहले ब्या जाए तो फीड बच जाता है, उसका क्या करते हैं? तो आप ये ब्याने के बाद भी 2-4 दिन 10 दिन दे सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। और जैसा हमारा ये राट 10,000 है जी, राट 10,000, जैसे ही आपका पशु की डिलीवरी हो गई है, उसने जेर डाल दिया है, उसके बाद आप तुरंत हमारा जो फीड है ये 10,000 जी, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। ये आप पशु को तकरीबन 20 लीटर तक के पशु को दे सकते हैं सर। कितनी मात्रा? इसका दूध का आधा सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है, तो आपने 5 किलो फीड देना है, 2.5 किलो फीड आपने सुबह देना है, 2.5 किलो फीड आपने शाम को देना है। लेकिन एक बात याद रखना, फीड हमेशा ड्राई दो, सूखा दो, हरे चारे के और भूसे साथ मिक्स करके दो जी। हाँ जी। और जैसी मैंने आपको बताया अभी 10 लीटर आया, जैसी दूध ग्रोथ करता है जी, उस दूध के साथ साथ आपने डोज को बढ़ाना है। ना ही बढ़ाएंगे तो सर उसमें कुछ नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नुकसान हो सकते हैं पशु, आप हाँ कमी आ सकती, फैट लेवल डाउन हो सकता है, दूध कम हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी पशु का, आपके नस्ल देखनी है आपके पशु का भी, ये कितने दूध पे जा सकता है, तो दूध के साथ साथ आपको दाना प्रॉपर बढ़ाना है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक सब मेरा क्वेश्चन है कि जैसा इसे खिलाएंगे तो दूध की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा? हाँ जी सर, क्वालिटी बेस्ट, बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट रहेगी। देखो, जब फैट बढ़ गई है दूध बढ़ गया, अगर फैट बढ़ गई है तो क्वालिटी बेस्ट आ रही है जी। हाँ जी, टेस्ट बहुत बढ़िया मिलेगा आपको जी। जी, और क्या क्या प्रोडक्ट है इनके सर? प्रोडक्ट है ये आपको जैसे मैंने बता दिया है, 20 लीटर तक का है जी, ये 8,000 है, ये आप 15 लीटर तक के पशु को दे सकते हैं, उससे ऊपर भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप दे सकते हैं। हमारी फीड की एक सबसे बढ़िया पहचान है, जैसे तारा राट 8,000 के नाम से है, इसका मतलब क्या, तो इसका बेनिफिट है और इसका कितनी डोज है इसकी, ये बताओ सर। बेनिफिट हमारी जो फीड में क्वालिटी है, सबसे मेन क्वालिटी है कि दूध के साथ साथ पशु का बॉडी वेट जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, वो कम नहीं होगा। आप आज आपने फीड खिलाना शुरू करा है, और जैसे ही आपको खिलाते खिलाते 21 दिन हो जाएंगे, तो आप पहला और अब का पशु दोनों का मिलान कर सकते हैं भी, इसमें क्या ग्रोथ आई है।
अगर आपके पशु का बॉडी वेट डाउन हो रहा है तो आप सर फीड बंद करते हैं, वो आप फीड आपके पशु के लिए है ही नहीं है। अच्छा भैया मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा है कि हमारे जो साइंस का एक मानना है उम्र से पशु का कोई ताल्लुकात नहीं होता, जी जी वेट से होता है, वेट से होता है जी। ये भाइयों बहुत बढ़िया जी जी, तो वेट के अनुसार ही इसकी जो वो खुराक है उसकी मात्रा दी जाती है। हाँ जी हाँ जी, नहीं अब नहीं सर ये मिल्क के हिसाब से हो गया, मिल्क के थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब हाँ जी दूध के हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहता है फार्मर को, दूध के हिसाब दूध के अकॉर्डिंग पे डालोगे आप जितनी वो वेस्ट कर रहा है जी। अब जो डोज बोली जाती है दूध की आती है उसका कारण बता देता हूँ क्या बोली जाती है, कि हम दूध में क्या ले रहे हैं। अगर आप एक लीटर दूध में हमारा मानना है कि 2.8 मिलीग्राम हम कैल्शियम निकालते हैं और 1.4 फास्फोरस निकालते हैं, अगर हम एक लीटर के पीछे उसको आधा किलो फीड दे देते हैं तो हम उसकी भरपाई कर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है सर। जैसे ये है सर, ये बच्चों का फीड है, ये छोटे लवारे का। हाँ बच्चों का फीड है जी जी। क्या तो फायदा है इसका और कितनी इसकी खुराक है? इससे पहले सर एक प्रोडक्ट आता है हमारा यहाँ, शायद बैग अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट है आज, वो काप स्टार्टर है सर, 25 केजी में आता है, वो हम बच्चे को 4 दिन से स्टार्ट कर देते हैं सर। अच्छा। और वो 4 महीने तक उसको दी जाती है जी, और जैसे आप हमारा वो काप स्टार्टर खिलाएंगे आप बच्चे का डेली वेट तोल लीजिए, आप डेली आपको वेट में ग्रोथ मिलेगी जी। अच्छा हाँ जी, और उसके बाद जैसे 4 महीने के बाद आप जो है काफ ग्रोवर स्टार्ट करेंगे जी। काफ ग्रोवर ग्रोथ के लिए है बच्चे के। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये बच्चे को कब तक खिलाना है? जो ये ग्रोवर है सर ये आप 9 महीने तक खिलाएंगे जी। 9 महीने, उसके बाद फिर? उसके बाद सर हीफर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसे इसको बंद कर दें? हाँ इसको बंद कर दें, जब भी फीड में चेंज करें जी, जैसे इसको आपने बंद करना है 9 महीने में, तो कुछ दिन इसके साथ आप मिक्स करके दें, उसके कुछ दिन आप मिक्स करके दें। अच्छा, ये हीपर फीड है, इसका इसको किसको खिलाया जाता है, उसका क्या बेनिफिट है और कितनी मात्रा है? सर देखो ये आपने कटड़े को भी खिला सकते हैं, कटिया को भी खिला सकते हैं, बछड़े को भी खिला सकते हैं, बछिया को भी खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं दूध की। अच्छा। तो दूध का जो बच्चा है जैसे बछिया है, आपने इसको जैसे 9 महीने तक खिला दिया, 9 महीने के बाद आपने हीपर स्टार्ट करना है, यहाँ बच्चे का वजन ग्रोथ हो चुका है जी। अब जैसे बच्चे का वजन ग्रोथ हो चुका है तो हमने अब बच्चेदानी की ग्रोथ करनी है। अच्छा, तो उसके लिए आप हीपर फीड यूज कीजिए। हाँ जी, बछिया और कटिया के लिए आप हीपर जैसी यूज करेंगे। अच्छा, ये जो है हमारी कटिया बछिया इनको यूज करना? हाँ जी, इनके लिए आपने यूज करना है सर। जी जी जी, और ये बच्चेदानी की ग्रोथ करता है, इसको जैसे आप स्टार्ट करोगे, आप मानो 9 महीने में स्टार्ट करते हैं तो 11-12 महीने में आपकी जो कटिया बछिया है वो प्रॉपर हीट पे आ जाएगी और गैपन हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। मात्रा आप सर 3 किलो, 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम आप इसी दे सकते हैं, पशु कोई हेल्थी है, डोज ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा। हाँ, हाँ थोड़ा आप कर सकते हैं। कर सकते। हाँ जी हाँ जी जी सर। और एक प्रोडक्ट और बता रहे थे आप इसका? ये सर हमारा त्रिभुवन 8 से 10 लीटर तक के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है ये जी। और किसान जैसे कोई मंदा मांगते हैं या पशु किसी के पास छोटा है उसको रेकमेंड करते हैं, लेकिन हम इसको सस्ता नहीं कह सकते, इसमें भरपूर खूबियां हैं, इसमें भी सर ग्रेन्स और आपका खले मिश्रण है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो इसकी कितनी मात्रा दे सकते हैं किसान भाई? सर दूध के लिए सेम है, दूध का आधा जी। अच्छा। हाँ जी, दूध के लिए सेम। पंजाब में कंपनी के 2 प्लांट हैं सर। अच्छा। लेकिन जो यहाँ यूपी के अंदर अपना माल अवेलेबल हो रहा है सर वो खन्ना से हो रहा है, खन्ना में, खन्ना से मलेरकोटला रोड पे इकलाहा कस्बा पड़ता है छोटा सा, वहाँ पे अपनी कंपनी का जो प्लांट है सर वहाँ पे है। हाँ जी, ये किसान भाइयों को कहाँ पर अवेलेबल हो गए इसके प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट तो ऑल इंडिया है हमारे अवेलेबल, त्रिभुवन यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमारा चलता है, और यहाँ पे जो फिलहाल हम खड़े हैं सर ये घटान गांव है, यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी फर्म तोमर ट्रेडिंग कंपनी है, और जो उनके एमडी हैं मिस्टर रुपेश तोमर जी, जी वो हमारे पास ही हैं। अच्छा। आपको प्रॉपर एड्रेस की ज़्यादा जानकारी बढ़िया देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भाई साहब आप जरा अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मेरा नाम रुपेश तोमर है, सनोप नरेंद्र सिंह, गांव घटायन, जिला मुजफ्फरनगर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9837-890-170। तो किसान भाइयों को तारा फीड का कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होगा? सब अवेलेबल है जी। तो बहुत अच्छा, किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।
भाइयों, सभी भाइयों को आज की इस वीडियो में अलविदा, नमस्कार।